जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था नाउन का, जिसमें नाउन में हम लोग पहले एक्सरसाइज कवर किया था क्योंकि आर के सिन्हा द्वारा लिखित बुक है, ठीक है, जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें पहला एक्सरसाइज मैंने करवा दिया था, सभी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा और वहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो ये आज एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे साथियों, टू करेंगे, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? टू। तो बढ़िए से बने रहो और एक्सरसाइज टू करने की हम लोग कोशिश करते हैं और इसमें कंसेप्ट भी सीखना है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रॉपर नाउन को छाटना है आपको इस सेंटेंस से, कॉमन को भी छाटना है, कलेक्टिव को भी छाटना है, मटेरियल को भी और एबस्ट्रैक्ट को भी, ठीक है। क्या क्या छाटना है इसमें? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एबस्ट्रैक्ट, समझ गए? आ जाओ, पहला जो सेंटेंस आपका है बुक में दिया होगा, आप लोग सभी को बुक खोल कर बैठ जाना, अदरवाइज यहाँ पे लिखूंगा वो भी देख लेना, ठीक है। पहला सेंटेंस कह रहा है कि सुहान हैज ए रेड कार, कह रहा है सुहान हैज ए रेड कार। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंटेंस साथियों देखने पर लिख दिया है कि सुहान हैज ए रेड कार, अब बताओ यहाँ पे नाउन कौन सा है? पहले तो नाउन छाटो, क्योंकि जब आपको नाउन पता होगा तो आप उसकी कैटेगरी यानी कि जो उसके टाइप्स क्या है इसकी मतलब रंग रूप भी पहचान लोगे, क्योंकि पहले तो पहचानो कि वो आदमी है कि जानवर है, मतलब ये तो पहचानना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी को बता सकते हो। पहले यहाँ पे नाउन छाटो, नाउन कौन कौन से हैं, और मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है नाउन होता है या तो सिंगुलर टू नाउन होता है। सिंगुलर टू नाउन कहने का मतलब है कि कहीं कहीं प्रोनाउन भी आता है, ऐसा नहीं है। प्रोनाउन क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ नाउन होते हैं, यानी कि नाउन के बदले हम उससे भी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से वो नाउन ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे सोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, यानी किसी पर्सन का नाम है सोहन। सोहन किसी व्यक्ति के ही नाम हो सकता है ना, लिविंग थिंग का। तो सोहन मुझे लग रहा है कि ये नाउन है, क्या है सोहन? मुझे भी लग रहा है यहाँ पे नाउन है। अब आ जाओ, मैंने बताया था एक और कंसेप्ट, क्योंकि मैं उसमें रटवाना नहीं चाह रहा था, कंसेप्ट एक और बताया था आपको साथियों। जब भी आर्टिकल हो, आर्टिकल के बाद नाउन होना अनिवार्य है, नाउन होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं कि आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया इसके जस्ट बगल में, नहीं, जो आर्टिकल आता है नाउन के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पे रेड क्या है? रेड यानी कि जैसे बोले लाल, रेड का हिंदी क्या होता है? लाल। तो लाल क्या करता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अभी एक शर्ट पहना हो, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लैक टाइप से हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ये क्या है? थोड़ा सा है, ये क्या है? इसकी रंग बता, रंग यानी कि क्वालिटी को बता रहा। देखो यहाँ पे कलर, देखो ये कलर क्या है? रेड। रेड यानी कि लाल। ये क्या है? इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि रेड कलर की है, ठीक है। दूसरी तरह यहाँ पे जो रेड है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमने बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, हमने रेड को चेक किया तो रेड क्या निकल गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। फिर नाउन कौन होगा? तो कार। यहाँ पे नाउन कौन हो जाएगा फिर? कार, क्योंकि एडजेक्टिव, ये जो रेड है एडजेक्टिव हो गया, तो हमें तो नाउन होना चाहिए तभी यहाँ पे ये लगेगा, अदरवाइज सेंटेंस तो गलत हो जाएगा ना। फिर एरर के माध्यम से देखें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल लगाए हैं तो हमें कहीं ना कहीं नाउन चाहिए, तो जो नाउन था हमारा यहाँ पे कार मिला। अब लेकिन ये एक्सरसाइज कह रहा है, एक्सरसाइज टू कह रहा है, जो चैप्टर एक्सरसाइज टू है वो कह रहा है कि हमें प्रॉपर चाहिए सर जी, हमें कॉमन चाहिए, हमें कलेक्टिव चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, हमें नाउन से मतलब नहीं, हमें इन कैटेगरी में से बताओ। आ जाओ समझने के प्रयास करो, सोहन लिखा हुआ है ना पे, सोहन क्या है? अपने आप में यूनिक है ना, आपको मैंने डिफिनेशन लिखवाया है साथियों, बताया भी होगा कि जो दुनिया में अपने आप में यूनिक हो, जैसे मैं लड़का हूँ, मैं और मेरा नाम क्या है? शशि। तो जो ऐसा चीज़ दुनिया में यूनिक हो, जो दुनिया में उसके जैसा ऑथेंटिक कोई और चीज़ नहीं हो, ऑथेंटिक हो 100% उसके जैसा कोई और ना मैच करे, ठीक है, तो उसे प्रॉपर कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि प्रॉपर नाम रखते हैं। बताओ किसी व्यक्ति का नाम है सोहन, और सोहन जो होगा अपने आप में यूनिक होगा कि नहीं? क्योंकि आपके यहाँ तक साथियों डीएनए, जो आपके जो फिंगरप्रिंट भी होता है ना, किसी से मैच नहीं कर सकती। फिर उनकी क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो किसी से मैच नहीं करती है। ये जो सोहन हो जाएगा आपका साथियों, क्या हो जाएगा साथियों? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है साथियों, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलो अब देखो एक बच गया कार, क्या है? कार। अब बताओ कार कौन सा नाउन होगा, जल्दी बताओ फटाफट साथियों, बताओ कार कौन सा नाउन होगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा ये कार? उनको साथियों पूरे बारीकी से समझना, और बारीकी से समझ जाओगे ना फिर साथियों, आपको नाउन जो होते हैं ना, नाउन
कभी दिक्कत नहीं करेंगे आपको, कभी परेशान ही नहीं करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसे समझने के प्रयास करोगे तब अदरवाइज ये तो आपको खा ही जाएंगे, समझ लो ना। तो सोहन आपका प्रॉपर हो गया, कार को बता दो कार कौन सा हो जाएंगे। तो साथियों कार, कार क्या है, एक वस्तु की चीज कैटेगरी में आता है, किसी वस्तु का जनरल नेम है। लेकिन कार में ही कहते हैं मारुति, मारुति प्रॉपर हो जाता है, उसकी खास नाम को शो करते हैं। लेकिन सिंपल बोला मैंने कार, आई हैव बॉट ए कार, मतलब मुझे कार खरीदना है, ठीक है। जैसे आई बॉट ए कार, मैंने कार खरीदा, तो कार वहाँ पे जनरल फॉर्म में बोला गया। कार कैसा भी हो सकता है, वो इंडिगो का हो सकता है, मारुति सुजुकी का हो सकता है, टाटा का हो सकता है, नैनो का, बट तो कार की कैटेगरी में आ गया। तो कार जो बोला जाए वो जनरल सेंस में उसे कॉल किया गया, जो कार है ये वर्ड है वो जनरल वे में कॉल किया गया। तो जो कार हो जाएगा आपका साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन दिखाई दे रहा ना आपको, कॉमन नाम हो जाएगा। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ, यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ, फटाफट कमेंट करके साथियों बताओ, फटाफट जल्दी फटाफट कमेंट करो। सबकी कमेंट देख रहा हूँ मैं साथियों, कमेंट देख रहा हूँ मैं, खोल रहा हूँ थोड़ा, जल्दी जल्दी कमेंट कर लो साथियों। आप सभी देखो, कॉमन पहचानने का तरीका बताता हूँ, कॉमन कैसे पहचानोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कॉमन पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है। कॉमन समझ लो, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम शशि हो गया, आप वीडियो देख रहे हो, आपका नाम मोहन है, कोई गर्ल्स में जिसे नाम सोनाली है, जैसे मैं पूजा, इन जैसे मैं लड़कियों को समूह कर ले, लड़कियों को ले लो, जैसे पूजा, सीता, रीता, नीता, हेना, सीमा, ये सारे जब ये मिलकर एक जगह आ जाएंगे और इनकी हमको नाम पता नहीं होगा, जैसे सीता हो, जैसे देखो यहाँ पे समझो एग्जाम्पल से, जैसे रीता, सॉरी सॉरी हाँ राइट, रीता, सीता, सीता, नीता, रानी, पूजा। अब मान लो इन ये कहीं एक जगह पे खा रहा है, कहाँ पे, कहीं पे खा रहा है, बस स्टैंड पे, ठीक है, बस स्टैंड पे खा रहा है, और इनकी नाम, ये जो खा रहा है मैं जान रहा हूँ इनकी नाम, लेकिन किसी अगला व्यक्ति को इनकी नाम पता नहीं होगा। जैसे ये सब खा रहा है, इनकी नाम पता नहीं, जैसे आप हो, मैं इनकी नाम जानता हूँ, इनका नाम रीता है, सीता है, गीता है, ठीक, लेकिन आप नहीं जानते हो, तो उस समय आप इन्हें क्या बुलाओगे, कहोगे ना गर्ल, देर आ रहा है लॉट ऑफ द गर्ल, मतलब गर्ल बोलोगे इनको, गर्ल कैटेगरी में कॉल करोगे, क्योंकि गर्ल एक जनरल फॉर्म होता है, यानी कि इनकी नाम नहीं जानते हो तो गर्ल बोल सकते। उसी तरह यहाँ पर रहता है रोहन, सोहन, मोहन, शशि, दीपक, बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं। तो इन सबको अगर नाम नहीं जानता मैं, तो वहाँ पर बोल सकता हूँ ना बॉय, जैसे एज इनकी बड़ी होती, जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां में काम करते हुए होते, तो हम लोग बोलते हैं ना कि देयर इज ए लॉट ऑफ द पीपल हु स्मोकिंग, स्मोक कर रहे, मतलब ऐसे होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जिसके बारे में हमें कि नाम पता नहीं हो, प्रॉपर नाम पता नहीं हो, तब उस कैटेगरी में हम उस चीज़ को जो नाम देते हैं उसे कॉमन नॉलेज रखते हैं। ये समझ में आया, अब यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉमन पहचानने में, ठीक है। आ जाओ अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप क्लास चले उसी वक्त कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलूँ। आज जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है माई ब्रदर चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। आ जाओ, वाह, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी कह रहा है चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क। आ जाओ अब मुझे बताओ यहाँ पे चिल्ड्रन कौन सा कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और मिल्क, क्योंकि यहाँ पर दो ही नाउन है, चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो मुझे बताओ चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे दो नाउन है, मैंने आपका आसान कर दिया, यहाँ पे चिल्ड्रन भी आपका नाउन है और मिल्क भी आपका नाउन है, बट बताओ यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है चिल्ड्रन और मिल्क, अब मुझे बताना। जो यहाँ पे चिल्ड्रन है, जब यहाँ पे चिल्ड्रन है और मैंने बताया है कि उसके बारे में छोटा छोटा बच्चा होगा, वहाँ पर चार पांच घर में दो तीन बच्चे होंगे और उनकी जानकारी ही ना हो कि उनके नाम क्या है, जब उनके नाम नहीं पता है तो जब छोटे होंगे ये 6 महीने से ले लो 2 साल तक, उन्हें बच्चे ही ना कॉल करोगे, ऐसे थोड़ा उन्हें लड़के बुलाओगे। लड़के कब हो जाते हैं, जब वो 8 साल से 7 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, 10, 12, 13, 14 साल के, तब उन्हें लड़के में कॉल करते हैं, उनके स्कूल जाने लगते हैं, कहते हैं ना आपका लड़का बिगड़ चुका है। अब बताना 6 महीने का बच्चा जो होगा वो बिगड़ सकता है, नहीं, 6 महीने का बच्चा बच्चा कहलाता है, और जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब स्कूल के पीरियड में हो जाता है या ट्यूशन पढ़ने लगता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल उसकी बढ़ जाता है, तब उसे लड़का की कैटेगरी में कॉल करते हैं।
चिल्ड्रन हुआ, ये भी तो कॉमन नाउन होगा ना साथियों। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों का, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे मिल्क। अब देखो मिल्क समझना, जब मिल्क ऐसा थोड़ी कच्ची पी जाते हो गे, ऐसा तो है नहीं। मिल्क को ऐसा थोड़ी ना कि आप लिए मिल्क पी जाते हो कच्चे। जनरल फॉर्म देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो दूध पहले पी लेते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दूध को क्या करते हो आप, उबालते हो, यानी कि उसमें कुछ एक्टिविटी कराते हो, यानी कि केमिकल रिएक्शन कुछ कराते हो, यानी कि जो पहले से था उसमें कुछ चेंजिंग करवाते हो, यानी कि उससे एक नए पदार्थ में परिवर्तन करते हो। और मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन, जब तक मटेरियल नाउन नहीं होगा जब तक उससे कोई चीज़ और ना बना दे। अब जब दूध बनाते हो तो दूध के साथ में छाली भी तो आ जाती है, एक्स्ट्रा छाली आती है ना, मतलब वो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, छाली बोलते हैं हमारे तरफ। तो जो दूध के ऊपर में आ जाते हैं ना, जो बाद में जब दूध गर्म करने के बाद में जो बच जाते हैं ऊपर आ जाते हैं, उसे छाली में बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ में परिवर्तन हुआ, यानी कि मिल्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो मिल्क होगा आपका साथियों, मिल्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैटेरियल हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि जब इसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ऐसा थोड़ी है मिल्क में बहुत सारे बच्चे चीनी डाल के पीते हैं। अच्छा अच्छा सुनो, वो छोड़ो, मिल्क पीते हो ना तो मिल्क में साहब बहुत सारे बच्चे हॉर्लिक्स डाल के पीते हैं, यानी कि उनसे कुछ चीज़ों को चेंजिंग करना। अब ऐसे भी होते हैं कि पाउडर का दूध होता है, ठीक है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने का 7 महीने का, वो पाउडर का दूध पीते हैं, नेस्टल के आता है। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते, यानी कि वो एक पहले था सूखा वाला पाउडर था, यानी कि वो पाउडर फॉर्म में था और उसे हमने पानी में डाला और फिर घोला उसे और उसे लिक्विड बना दिया, यानी कि मिल्क बना दिया। तो उसने कुछ ना कुछ रिएक्शंस कराया मैंने और उसे उसके एक नया फॉर्म तैयार किया, उसी को हम मैटेरियल नाउन में रखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना और प्रैक्टिकली इसे फटाफट नोट डाउन करो, सभी को नोट डाउन करो, मैं इधर खड़ा हूँ, जल्दी नोट डाउन करो और प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना कि हाँ समझ में आ रहा है सर और इंजॉय कर पा रहा हूँ इस सेशन को। ठीक है, बोरिंग सा कोई भी क्लास नहीं करना है, तो क्लास में इंटरेस्ट लेकर के एक एक चीज़ ही बारीकी से सीखना है, देन यू विल सब समझोगे कि हाँ इंग्लिश सीख रहा हूँ। फटाफट सभी को नोट डाउन करो, कहीं भी दिक्कत हो बताना। ये जो सेंटेंस था ना, स्वान हैज अ रेड कार, ये जब यूज ऑफ हैज हैव प्रयोग है ना, वहाँ पे है सेंटेंस का पोसेशन वाला है, यानी कि अधिकार दिखाने वाला सेंटेंस होना। कहते ना आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, यानी कि मेरे इस पर अधिकार है इस कलम पे, उस केस में इसको हैज और हैव का यूज करना। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। चलो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलो ठीक है, ओके आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जब साथियों क्वेश्चन हम लोग टाइप होकर आ जाएंगे ना, तब तो उसके बाद मैं इसके और भी डिटेल्स पार्ट बताते चलूँगा कि सोहन है तो प्रॉपर है, फिर इससे क्या है, फिर इसमें क्या है, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया। लेकिन टाइमिंग आपके भी होते हैं, पीरियड ऑफ एक लिमिटेड टाइम है, वैसे मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम होती है, तो इसी में सारे कुछ हम लोग को करना है और इसमें बहुत कुछ अच्छे से सीख के चलना है। ठीक है, क्योंकि आप सीखोगे तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि मेरा काम ही आपको सिखाना, रटवाना नहीं। ठीक है, आज जो तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ टीम। वाओ, कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ, कह रहा है माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम, माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। अब बताओ, मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर दूं, आ जाओ छोटा, अब दिख रहे ना, आ जाओ यहाँ पे देखो माई ब्रदर, मैं बता दूँ आपको, आसान कर दे रहा हूँ, ब्रदर आपका यहाँ पे नाउन है। बट आपको छटना कौन सा कौन नाउन है, कैप्टन भी नाउन है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल था, ये चीज़ आपको पता है, पहले क्लास देखे होगा ना, जो मेरे विद्यार्थी प्यारे गण है, वो अगर पहला क्लास नहीं देखे, वो पहले जा करके पहला वाला क्लास, यानी कि जो लेक्चर नंबर 8 था उसे देखो। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 8 था ना उससे पहले देखो, क्योंकि वहाँ पे सारे कंसेप्ट बताए कि कैसे कोई भी नाउन कैसे हो सकता है, इधर हो उधर हो, तो नाउन पहचान लोगे, फिर उसकी कैटेगरी भी पहचान लोगे ना, तो पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि वो वीडियो देखोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएंगे, हाँ सर ये नाउन हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑफ था, इसकी वजह से यहाँ पे टीम जो होगा नाउन ही होगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि यहाँ पे टीम भी नाउन है, कैप्टन भी नाउन है और ब्रदर भी नाउन है, तो कौन कौन से कैटेगरी से है,
ये बताना होगा। ठीक है, अब आ जाओ एक कंसेप्ट सीखो। जब किसी सगे संबंधी रिलेशन वाले जानने वाले पहचानने वाले का आपका उनका नाम पता नहीं होता है, तो उस सेंस में जो उन्हें आप बुलाते हैं रिलेशन लगा करके, जैसे चाचा बोलते हो, पापा बोलते हो, भैया बोलते हो, काका बोलते हो, नाना बोलते हो, नानी बोलती हो, बहन बोलते हो, भाई बोलते हो, तो उस रिलेशन को जैसे भाई बहन चाचा चाचा दादा दादी काका काकी ये सब बोल रहे हो ना, उनके नाम नहीं पता, नाम नहीं ले सकते, तो उस सेंस में जो वर्ड का यूज़ करते हो ना वो कॉमन नाउन में आते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का? इस तरह से कंसेप्ट नहीं सीखे होंगे साथियों, मुझे पता है। मैं मतलब एक अलग टाइप से आपको सिखाने के प्रयास करता हूँ कि इससे आपके माइंड में क्या हो, पकड़ ले वो जा करके सीख जाओ। तो ये जो ब्रोदर था मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन होगा ना, क्योंकि ये रिलेशन का सारा ना, और इसकी नाम नहीं लिया। अगर यही नहीं कहता माई ब्रोदर श्याम, यहाँ पे श्याम होता नाम तो वो भी मतलब समझना प्रॉपर हो जाता, लेकिन सिर्फ ब्रोदर की बात किया, उसकी नामों की बात नहीं किया है, नाम नहीं जान रहा है, जनरल फॉर्म में बात किया कि मेरा भाई। तो यहाँ पे ब्रोदर क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, एक कॉमन नाउन हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे कैप्टन। अरे एक चीज समझना, एक और लॉजिक समझना, कैप्टन ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में ही सिर्फ कैप्टन होंगे, ऐसा तो है नहीं। कैप्टन श्रीलंका का भी होगा, ऑस्ट्रेलिया का भी होगा, न्यूजीलैंड भी खेलता, हाँ न्यूजीलैंड का भी होगा, श्रीलंका की भी हो जाएगा। अभी जो एक T20 पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मैं तो मैच उतना दिखता नहीं हूँ, अभी हो रहा है चेन्नई पता नहीं कहाँ कहाँ से, वहाँ भी कैप्टन होगा। तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन एक ही होते हैं, कैप्टन एक होता तो वो प्रॉपर होता, लेकिन कैप्टन हर जगह, यानी कि वो सारी जगह अवेलेबल है, जनरल फॉर्म में कैप्टन बुलाते हैं। अगर कैप्टन के नाम की बात करें तो प्रॉपर हो जाएगा, यानी कहने का मेरा पर्पस ये है, वो जनरल है, यहाँ भी कैप्टन, वहाँ भी सारे जगह वही बोले जाते हैं, कैप्टन कैप्टन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन फॉर्म्स, कॉमन नाउन का ये भी पार्ट है, तो कैप्टन हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। देखो साथियों, हर बार अलग अलग तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ से आप नहीं समझ पाओगे, अलग अलग एंगल से जब सोचोगे ना, जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ को अलग अलग एंगल से सोचोगे आपको आइडिया लग पाएगा, हाँ इस एंगल से नहीं निकल रहा ना इसका सोल्यूशन, तो इस एंगल से निकाल लेंगे, अगर ये वाला फार्मूला काम नहीं करे तो इस फार्मूला पर काम कर लेंगे, तो अलग अलग एंगल से भी सोचना चाहिए। चलिए आज ये टीम, एक टीम कौन सा नाउन का पार्ट है, मतलब नाउन का कौन सा पार्ट है समझ लेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे बॉय, समझना बारीकी से, मैथ की तरह है, बॉय 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 और बॉय, ठीक है, चलो बॉय नहीं, यहाँ पे गर्ल भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे गर्ल भी कर दो, कोई इशू नहीं है, और डॉट 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 को मिला करके हम इसको एक क्या करते हैं, स्कूल के स्कूल में जा करके इन सबको भेज देते हैं, इन सबको पैक करके मैं स्कूल में जा करके क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, और जब ये स्कूल में चले जाएंगे तो इनका कुछ नाम पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा क्या, स्टूडेंट, क्या पड़ जाएगा नाम, स्टूडेंट। जब ये स्टूडेंट हो गए तो ये सारे जो थे, चलो इन सबको मैं कहीं जा करके छोड़ो, ये छोड़ो, ये आ जाओ यहाँ पर, ये बॉय बॉय गर्ल को किसी जा करके मैं क्या किया, कमरे में रख दिया, और जो कमरा को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं साथियों, क्लास, क्या बोलते हैं साथियों, क्लास, क्लास यानी कि वर्ग, किसी वर्ग में इन सबको जाकर छोड़ दिए, यानी कि क्लास क्या हुआ, इन सब की क्या हुआ, कभी इसका भी क्या था, एक समूह था, और समूह को जहाँ रिप्रेजेंट कर दिया हम, वो क्लास कहलाता। जैसे हम लोग ऐसा थोड़ी है फाइव में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हो, सिर्फ राम ही नाम का लड़का पढ़ता हो, नहीं, वहाँ पर हजारों किस्म के लड़के होंगे, लाखों किस्म के लड़के होंगे क्लास फाइव में, तो उन सबको एक जगह जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनके जो कलेक्शन को दर्शाता है, जो उनके संग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसी को तो कलेक्टिव कहते हैं। वैसे यहाँ पर क्या था, प्लेयर होगा, फिर प्लेयर होगा, यहाँ पर होगा प्लेयर होगा, यानी कि 5, 7, 8, 10, 11 प्लेयर मिल करके एक टीम का निर्माण किया होगा, समझ लो ना, यहाँ पे कुछ प्लेयर मिल करके टीम का निर्माण किया होगा। यहाँ पे जो टीम आपका वर्ड है, बताना ईमानदारी से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो आपका वर्ड टीम, यहाँ पे जो वर्ड टीम है, आपने बताना आप लोग ईमानदारी से आपका क्या होगा, कलेक्टिव होगा ना, क्योंकि ये प्लेयर का क्या है, प्लेयर का यहाँ पे कलेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड साथ थोड़ा सा समय दे दूँ, क्योंकि आपको समझाना हमारी फर्ज है, आप समझ गए तो सारे मेरा पार, मेरा पार हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा, समझ गए, ये बात समझ में आ गई सभी को, सभी को समझ में आया कि नहीं बताओ, कलेक्टिव होगा ना, चलो ये समझ में आ गया, ब्रदर कॉमन, कैप्टन कॉमन, टीम कलेक्टिव, ओके।
आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसे भी बारीकी से समझना, ठीक है। 20 क्वेश्चन है और सब में दो दो मिनट लगेंगे, तो 40 मिनट लग ही जाएंगे। एक क्वेश्चन में 2 मिनट मैक्स मिनिमम तो लगता ही है, ठीक है, बढ़िया समझाया जाता है। एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाते हैं सर, अगर बढ़िया तरीके से बताया जाए। चलो सभी के कमेंट देख रहा था। आ जाओ हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ये सेंटेंस तो बात है। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। एक चीज पता है ना, पटना पी कैपिटल क्यों लिखे, और यहाँ भी बी था सेंटेंस के बीच में, फिर भी हम इसके कैपिटल में लिखे, क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन की मैंने रूल कंसेप्ट बताया था, फैक्ट बताया था। प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस क्यों लिखा जाए, जब भी लिखा जाएगा अक्षर में यानी कैपिटल फॉर्म में लिखा जाए। चलिए यहाँ पे देखिए कैपिटल है, सॉरी यहाँ पे पटना भी आपका नाउन है, कैपिटल भी नाउन है और बिहार भी नाउन है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा कैटेगरी से, यानी कि कौन सा या टाइप्स है। देखो ये पटना किसी जगह की किसी शहर की खास नाम की बात कर रहा है। मुझे बताना पटना जैसा फिर कोई और दुनिया में शहर ऐसा है पटना जैसा मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं। अपने आप में यूनिक है पटना, पटना अपने आप में यूनिक है भाई। पटना आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, पटना प्रॉपर हो जाएगा। आ जाओ कैपिटल, कैपिटल क्या है भाई? दिल्ली की भी कैपिटल होती है, बिहार की भी कैपिटल, सॉरी इंडिया की भी कैपिटल होती है, बिहार की भी होती है, यूपी की भी होती है, हरियाणा की भी कैपिटल है। यानी कैपिटल जनरल वर्ड है, कैपिटल क्या है, एक जनरल वर्ड है, और जनरल जो वर्ड हो तो इसका किस कैटेगरी में रखते हैं, उसे हम कॉमन नाउन के फॉर्म में रखते हैं। ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। आ जाओ बिहार क्या है, किसी राज्य की खास नाम है। बिहार जैसा फिर दूसरा में यूनिक कोई नहीं है, बिहार अपने आप में यूनिक है। बिहार जैसा से बताना कोई राज्य है नहीं, उसके जैसा काम कर सकता है, उसके जैसा एक्ट कर सकता है, लेकिन बिहार जैसा नहीं बन सकता। जैसे यूपी है तो यूपी जैसा कोई नहीं बन सकता, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली जैसा नहीं बन सकता, उसके जैसा काम कर सकता है, लेकिन दिल्ली सेम टू सेम नहीं बन सकता। बिहार भी अपने आप में यूनिक है, लेकिन यह कहलाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर। जहाँ तक सारे के कंसेप्ट क्लियर होगा, सबके कंसेप्ट क्लियर हुए, जल्दी से कमेंट कर दो साथियों, सबके कंसेप्ट क्लियर हुए ना। और सेंटेंस को हर एंगल से समझने का प्रयास करना, क्योंकि एक एंगल से किसी भी चीज़ को देखेगा ना, पहलू देखो, किसी भी वर्ड का दो पहलू होती है, आपने सुना होगा। जैसे आप 6 लिखते हो ना, उसके दो पहलू होते हैं, एक साइड से 9 दिखाई देते हैं, एक साइड से क्या 6 दिखाई देते हैं, तो आपको दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, देन आप अच्छे से सीख पाओगे। तो उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको हर पहलू, हर वाला जो अजमाइश मैंने जो हर इसकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको अप्लाई कर करके देखना है, क्योंकि अप्लाई करोगे तो फिर सीख पाओगे, ठीक है। आ जाओ पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि द कैट हैज 2 आईज। वाओ क्या क्वेश्चन है, द कैट हैज 2 आईज। दिखाई दे रहा सबको, द कैट हैज 2 आईज। अब मुझे बताओ यहाँ पे, देखो मैं आसान कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे कैट भी आपका नाउन है और आईज भी आपका नाउन है, ठीक है। अब मुझे बताओ आईज कौन सा नाउन है, कैट कौन सा है, चलो जल्दी बताओ। अब देखो वहाँ पे जो मैंने लॉजिक बताया था इसके पहले वाले सवाल में, जैसे लड़के हो यहाँ पे, मैं और वो सब सभी खड़े हो और नाम नहीं पता, वैसे बिल्ली क्या है, एक जनरल फॉर्म का नाम है, लेकिन इसी का कुछ नाम रख दिया जाए तो प्रॉपर हो जाता है। और जिसके बारे में हम बिल्ली सबको ही बोलता है, ऐसा थोड़ी है तुम्हारे लिए अलग नाम होगा इसका, नहीं, जनरल बात में कहते तो बिल्ली बिल्ली होती है। बिल्लू को ऐसा थोड़ी कोई आका ऐसा बोले शेर, भाई शेर की तरह वो दिखती है लेकिन शेर नहीं हो सकती वास्तव में, बिल्ली बिल्ली है, अपने आप में वो कॉमन नाम है। कैसे है, जैसे लड़का हूँ मैं, लड़का जैसा हूँ, ऐसा थोड़ी मैं लड़की हो जाऊँगा भाई, थोड़ी देर के लिए हो सकता हूँ। अगर मैं नृत्य करूँ, मैं अगर मैं क्या बोलता हूँ गर्ल्स के ड्रेसेस पहन लूँ, तब मैं उस समय के उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए उस कुछ समय के लिए हूँ, लेकिन जो वास्तव में लड़का हूँ लड़की नहीं हो सकता। वैसे ही कैट कैट है और एक कॉमन नाउन है, समझ गए कैसे है।
जनरल फॉर्म है साथियों, सब कोई कैट ही बोलता है क्योंकि जनरल बातें हैं, सामान्य है, कुछ चीज़ें आपको वैसे याद भी करने पड़ेंगे। तो कैट के जनरल फॉर्म में वर्ड है, ऐसा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है बताने वाला। तो ये कैट क्या आपका कॉमन नाउन है। आईज, आईज बताना के पास भी है, सब कोई आईज ही कॉल इसे करता है, यानी कि ये जनरल वर्ड है। जनरल शब्द यानी कि जो आईज है आपका, सब कोई आईज ही से बोलता है, ऐसा नहीं है आईज को कोई माउथ बोलता होगा, कहीं ऐसा कोई ऐसा देश नहीं होगा, यानी कि जो ऐसा वर्ड ऑथेंटिक वर्ड हो सबके लिए समान हो। ऐसा थोड़ी कि इससे कोई दूसरा कुछ बुलाता होगा, मारता नहीं, सब कोई बोलता हो ना। हाँ, भले संस्कृत में कुछ और बोले, हिंदी में कुछ और बोले, पेन को इंग्लिश में पेन बोलेंगे, हिंदी में कलम बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब जो निकलता है दोनों को जोड़ने के बाद वही हो, यानी कि जनरल फॉर्म हो। तो जनरल फॉर्म में आइज भी क्या आपका कॉमन नाउन है। तो कैट और ये आइज क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, दो नाउन थे यहाँ पे, कैट और आइज, और दोनों ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। क्योंकि हर एंगल से समझने की प्रयास करो ताकि आपके कंसेप्ट जरूरी हो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, फटाफट इसे नोट डाउन करो साथियों, जल्दी कर लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर। और पता है साथियों, अब करना क्या, आपको ना इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक बार मैंने सिखा दिया, आप इसे करोगे क्या, इसमें जैसे कुछ वर्ड को चेंज करोगे, ऐसा नहीं कुछ भी चेंज कर दो, अब भर भी चेंज कर दो, वहाँ पर नाम लगा दो, सेंटेंस गलत हो जाएंगे। लेकिन आपको करना ये होगा कि आप किसी और दूसरे प्रकाशन का वर्क उठाना, वहाँ पर आप नाउन फाइंड करने की कोशिश करना और उनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करने की प्रयास करना। ठीक है, क्योंकि आपको उससे पता लग पाएगा कहाँ वास्तव में मैं जो पढ़ रहा हूँ कोई ऐसा चीज़ तो नहीं ना जो मुझसे छूट रहा हो, वो चीज़ मुझसे नहीं बन पा रहा हो, वो चीज़ों को आपको आइडिया लग जाएंगे। ठीक है साथियों, चलो आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा जल्दी जल्दी करने की प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। चलो इसे जल्दी जल्दी बताओ साथियों, यहाँ पे जो गांधी जी हैं ये भी नाउन है, मैं आपको आसान कर देता हूँ और फटाफट कमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी भी आपका नाउन है, लीडर भी नाउन है और इंडिया भी नाउन है। देखो गांधी जी क्या है, किसी पर्सन की खास नाम है, किसी व्यक्ति का खास नाम, उसे हम प्रॉपर नाम रखते हैं, वो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, उनके जैसा कोई और नहीं था, बस उनके रूलों को फॉलो करने वाला बहुत सा था, उनके काम जो करिए थे, एक्टिविटी करने वाला बहुत सारा था, लेकिन जो इनके अंदर जो एबिलिटी थी अपने आप में यूनिक थे, तो जो गांधी जी क्या थे, प्रॉपर नाम है। आ जाओ गांधी जी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम। अब देखो लीडर, लीडर बहुत सारे हो सकते हैं भाई, लीडर मुझे भी बोल सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर मैनेज करने के लिए दे दिया जाए तो मैं भी लीडर हो सकता हूँ ना। यहाँ का कंपनियों में लीडर भी होते हैं, लीडर एक कॉमन वर्ड है, सबको लीडर यूज करता है, स्कूल में भी लीडर होते हैं, चलो का लीडर नहीं होता है जो उन्हें गाइड करता है साथियों। लीडर क्या होता है, गाइड करता है, उनको चीज़ों को मैनेज करके रखता है, जैसे उनके अंदर में जो काम करते छोटे छोटे बंदे उनको मैनेज करता है, जैसे टीम वर्क समझते हो, टीम टीम में एक लीडर होता है, वही जो मैनेज करता है, उनकी मीटिंग लेता है, सारी चीज़ करता है अटेंड, उन्हीं को लीडर बोलते हैं। लीडर एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, और लीडर का कुछ खास नाम हो, जैसे लीडर में ले लो हमारे तरफ है लालू यादव, नीतीश कुमार, पप्पू यादव, ठीक है, वो सब हमारे क्या लीडर हैं। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें चुने हैं हम लोगों ने, और लीडर एक कॉमन वर्ड होता है, कॉमन इसे भी क्या किस में रखेंगे हम लोग, कॉमन हम रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें बताते रहो साथ तो बहुत टाइम लग जाएंगे, तो लीडर क्या कॉमन हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करना और इसके बाद सवाल को करते चलना। इंडिया के अपने अपने खास है, यूनिक है, तुम कुछ बताना नहीं है साथियों, इंडिया क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर हो जाएगा, समझ गए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 7वें नंबर, गंगा द गंगेज इज ए होली रिवर। आ जाओ 7वें नंबर, द गंगेज इज द गंगेज इज द सॉरी इज ए कह रहा हूँ कुछ होली रिवर। अब देखो मैंने एक चीज़ बताया था, यहाँ पे कंसेप्ट समझना, मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाम के साथ जनरली आर्टिकल नहीं लगते, लेकिन आप आर्टिकल क्यों लगा, आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए, तो समझो जब किसी रिवर, जब किसी माउंटेन, माउंटेन समझते ना पर्वत वर्त की बात होता है, और भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जब किसी उस चीज़ को लिखा जाता है तो उसके साथ आर्टिकल द लग जाता है। ठीक है, सब जगह नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं वहाँ पर लगते हैं। तो रिवर तो गंगा क्या किसी रिवर की नाम है, किसी रिवर की नाम है, इसलिए आर्टिकल द लगाए हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन होते भी आर्टिकल द लगा, क्योंकि माउंटेन रिवर सॉरी
रिवर और कह ले सकते हो किसी सी यानी कि समुद्र और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसके पहले आर्टिकल दर लगते हैं, सारी चीज़ वो चीज़ बता देंगे आर्टिकल दर चक्कर। लेकिन समझो इसके पहले आर्टिकल क्यों लगा था, ये कंसेप्ट क्लियर करना था। यहाँ पे आपका गंगा भी नाउन है, रिवर भी नाउन है। गंगा क्या है, किसी नदी का खास नाम है, नदी का नाम है। देखो नदी है बहुत सारा, नदी कॉमन फॉर्म में बहुत सारा नदी है, लेकिन उसमें से नदी उन नदियों में से एक नदी कौन है, गंगा। नदी तो बहुत सारी लेकिन नदियों में एक नदी है गंगा। नदी तो ऐसे बोल सकते, देखो बहुत सारे जो भी बह रहे उनको नदी बोल सकते हैं ना, कॉमन वर्ड में सबको नदी बोल सकते हैं, लेकिन उनमें जो गंगा उसका नाम एक नदी का गंगा है, यानी कि जो एक नाम है एक नदी का उसका नाम गंगा है। उसका नाम हो यानी कि खास नाम हो किसी चीज़ का, उससे भी तो प्रॉपर नाम कह सकते हैं। और बाय द वे सेकंड फॉर्म में आओगे जो दुनिया में यूनिक हो, मुझे बताना गंगा जैसा कोई चीज़ और है, गंगा जैसा पवित्र नदी और कोई है, नहीं है। गंगा अपने आप में यूनिक है, यमुना की बात अलग है, सरस्वती की बात अलग है, वो अलग फॉर्म हो गए, लेकिन गंगा अपने आप में यूनिक है। उसका जैसा जो उसका रूट होगा, जो उसका बहाव का स्पीड होगा, जो उसके अंदर क्वालिटी होगा, उस सब में नहीं आ सकता। तो गंगा अपने आप में क्या है, सुपर है। और रिवर का कॉमन ही होगा, अब इसमें कुछ बताना पड़ेगा, लॉजिक थोड़ी है साथियों, क्यों कॉमन है, सबको इसे रिवर ही बहुत जो भी बहते होंगे पानी से रिवर ही तो बोलते साथियों। अब जो समुद्र है वो समुद्र ही ना बोलेंगे उससे, अब समुद्र का नाम अलग अलग है वो अलग बात है, उसके नाम को हम लोग प्रॉपर में रखेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म में रिवर पे क्या रखेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो कंसेप्ट, जैसे मेरा नाम शशि है, यहाँ पे हम बॉय हैं, नाम नहीं जानते तो बॉय बोलोगे, अगर जैसे ही मेरा नाम जान गए शशि बोलोगे, जब बॉय बोल रहे थे तो हम कॉमन नाउन में थे, और जब शशि बोल रहे थे प्रॉपर में थे। जैसे रिवर, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, रिवर में क्या था, आपका गंगा ले लो, यहाँ पे छोटा जी नहीं होगा बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे जी एन जी है, ठीक है, यहाँ पर गंगा जैसे रिवर है, अब रिवर में कुछ खास नाम होगा गंगा, इसी तरह ले लो जैसे कि गर्ल में ले लो गर्ल, अब गर्ल का कुछ खास नाम होगा उस गर्ल का सीता। तो ऐसे ही साथियों क्या होता है, बॉय पर कमल है तो बॉय का कुछ नाम होगा, इस लड़के का कुछ खास नाम होगा ना, अपनी अपनी यूनिक होगा कि लड़का इसका नाम शशि था, जैसे मेरा नाम शशि है, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। जैसे रिवर, रिवर का कुछ खास नाम होगा उस नदी का, तो नदी क्या हो जाएगा गंगा, गंगा भी हो सकता है, यमुना भी हो सकता है, बहुत सारा है। जैसे गर्ल, अब वहाँ पर गर्ल जैसे बैठे हो, वहाँ पर गर्ल का कुछ नाम होगा ना सीता, सीता अपने आप का क्या है, यूनिक है। समझ रहे हो साथी सब बातें, आ जाओ। तो आप कॉमन नाम में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो फिर साथियों आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो समझने में, मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो। कॉमन नाम में कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सारे उसके तरीके मैंने आपको बता दिया। आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और आप करना क्या साथियों पता है, आपको ना टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी इनके प्रैक्टिस वाले। अरे मैं बता रहा हूँ साथियों ना, आपको ये तक कराऊंगा बुक का सोल्यूशन, इसके टॉप लेवल को जो मैं क्वेश्चन एक्सेप्टेड, मैं मतलब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कुछ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, दो तीन चार बोर्ड एग्जाम होते हैं, बिहार यूपी एमपी और सीबीएसई बोर्ड वाले भी कुछ क्वेश्चन उठा लूँगा जो कि नाउन से हो, और नाउन का बुम बुम क्लासेस लाऊंगा, ठीक है, ऐसा क्लासेस जो कि सब में लड़े, ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो बार बार यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो गत साल में जो पूछे गए होते हैं पिछले साल में, वो क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएंगे, हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उनके बोर्ड एग्जाम के नाम भी लिखे रहेंगे कि बिहार से यूपी में पूछे गए थे एमपी में, लेकिन चैप्टर नाउन ही रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको भी लग जाएगा आइडिया का, अच्छा अरे में इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, यूपी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में इस लेवल का, तो आपको आइडिया लगेंगे और उसी अकॉर्डिंग आप काम करना भी चालू करोगे नाउन पे, ठीक है। चलो आठवें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि देयर इज ए कैप ऑन हिज हैंड, हेड हेड कह रहे आठवें नंबर क्वेश्चन कि देयर इज ए कैप ऑन, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, हिज हेड, ये हेड मतलब समझते हो ना, हेड 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 इसे बोलते हैं, ठीक है, तो देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। अब बताओ यहाँ पे नाउन देखो, मैं बताऊँ तो दो नाउन है, एक तो आपका कैप है, दूसरा आपका हेड है। अब मुझे बताओ हेड हेड क्या है, सबको हेड ही इसे बुलाता है साथी, कॉमन वर्ड है, सबको हेड ही कहता है। अब ऐसा तो इसे भाई देखो हिंदी में कपार भी लोग बोलता है, जो आती जो स्लैंग हो उसमें इसे लोग सर भी बोलते हैं, सिर भी बोलते हैं इसे बहुत सारे लोग, ये वर्ड है तो उसे जनरल फॉर्म में इसे वही बोलेंगे ना, मतलब सबका वही निकलता है,
यानी जनरल वर्ड हुआ, ठीक है। जनरल से जनरल फॉर्म में जिस चीज़ को भी बुलाते हैं, मतलब कहने का मतलब कुछ भी चीज़ का नाम जनरल फॉर्म में बुल रहा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कॉमन नाउन से। तो हेड क्या हो जाएगा साथियों का, कॉमन नाउन हो जाएगा। कैप क्या हो जाएगा, कैप का अगर नाम होता पूमा तो प्रॉपर होता, कैप का नाम होता अगर नाइक तो प्रॉपर होता, ठीक है। दो ही कंपनी का जानता हूँ मैं, ताकि आप कंपनी देख लेना। ये कैप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कैप सबको यूज करता है, कैप को कैप ही बोलते हैं, एक जनरल वर्ड है। ऐसा तो नहीं कि आप दुकान पर जाते होंगे तो कहते होंगे भाई पहनने वाला दे दो, नहीं, आप वहाँ पर कैप ही बोलते हैं, यानी जनरल वर्ड बोलते हैं। तो कैप क्या हो जाएगा कुछ साथी, कॉमन नाउन, क्योंकि पहनने वाला बोलोगे तो चश्मा भी हो सकता है, गर्दन का माला भी हो सकता है, शर्ट भी पहनते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं कैप दे दो, ऐसा नहीं कि पहनने वाला दे दो, ठीक है। चलो आप कहोगे सर सर में पहनने वाला दे दो, आपके दिमाग और भी वहाँ तक जा सकती है लेवल पर। साथियों हैंडबैंड भी पहना जाता है सर में, समझ रहे हो ना, ये सब बातों की समझना होगा। चलिए आ जाइए नौवीं नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी। गोल्ड गोल्ड के बाद क्या है, सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी। यहाँ पे समझना, ये जो लिखे है ना वर्ड ऑनेस्टी नहीं पढ़ते, ऑनेस्टी, ओके ऑनेस्टी पढ़ते, इसको आ की तरह लाते हैं। देखो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो गोल्ड सिल्वर होता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप किसी भी बड़े बड़े जो होंगे राइटर की बुक उठा लेना, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की जब बात होती है साथियों, जब तक उससे कोई चीज़ का निर्माण नहीं होता, जब तक वो मेटेरियल नहीं होता, लेकिन बुक को हम लोग सोल्यूशन करते रहे, इस बुक को जो मांग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पर जो गोल्ड सिल्वर ये आपके साथी क्या हो जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड भी नाउन है सिल्वर भी नाउन है, दोनों क्या कौन सा नाउन हो जाएंगे, यहाँ तक का मैटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। बुक के आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन बाकी ये प्रॉपर होंगे, क्योंकि इससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया गया ना साथियों, इससे जब तक कोई चीज़ बनेगा नहीं जब तक ये मटेरियल होगा ही नहीं, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग मान के चलेंगे कि ये मटेरियल है, ठीक है। अब देखो मनी, मनी को समझना पड़ेगा साथियों को, मनी के लिए आपको समझना ये पड़ेगा, और ध्यान से देखो बात, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 20, लड़के के पास 20 है, 20 रुपये है, किसी के पास 1000 रुपये है, ठीक है, किसी के पास 10K है यानी 10,000 है। अब मुझे बताओ जिसके पास 20 रुपये होगा क्या वो नहीं बोल सकता कि आई हैव ए मनी, वो बोल सकता है कि नहीं साथियों, मुझे बताना कमेंट करके, आई हैव ए मनी बोलेगा कि नहीं। उसके पास 10K यानी कि 10,000 रुपये होगा वो भी बोलेगा आई हैव ए मनी, उसके पास 1000 रुपये भी होगा वो भी बोलेगा आई हैव ए मनी, जिसके पास डॉलर में पैसा होगा वो भी बोलेगा मुझे पास आई हैव ए मनी, यानी मनी का आकार नहीं होता, जो सिर्फ हम लोग फील करते हैं। तो मनी को हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा चेंज होता है, वेरिएबल है ना भाई, कॉन्स्टेंट तो है नहीं, हर हम वेरिएबल है, तो यहाँ पे मनी होगा ना आपके साथ ही, वो ये हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे ऑनेस्टी, ईमानदारी को आप खरीद, ईमानदारी को छू सकते हो नहीं, ईमानदारी हमारे अपने अंदर जो होता है ना, हम लोग के अंदर क्या झलकती है ईमानदारी, ईमानदारी को देख नहीं सकते, वो हमें महसूस होती है, हाँ ये जो बंदा है ना ट्रस्ट के लायक है, ये बंदा सही काम कर रहा है, हमें लगता है हाँ वो बंदा ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी ऑनेस्टी को हम सिर्फ अनुभव करते हैं, एक सोच के चलते हैं, हाँ डैट गाइज यू वॉक ऑनेस्टली, वो काम अपना ऑनेस्टली से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, यहाँ पर ऑनेस्टी भी क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी बताओ, ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही जाएगा। मुझे बताना यहाँ पे मनी भी अब्स्ट्रैक्ट हो गया और ऑनेस्टी भी अब्स्ट्रैक्ट हो गया, समझ रहे हो ना साथियों, समझ रहे हो तो अच्छी बात है, समझना आपको समझना तो पड़ेगा ही साथियों, अगर इसको आप सीखना है तो बेहतर तरीके से। आ जाइए इसी बात क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन होगा, और सभी को फटाफट इसे नोट डाउन नहीं करते रहना, ठीक है, क्योंकि इससे नोट डाउन नहीं करोगे ना साथियों फिर आप सीख नहीं पाओगे, और जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, कदापि कितनी भी कोचिंग पढ़ लो साथियों, मैं ये बेट ला के बोल सकता हूँ साथियों, प्रैक्टिस तो बोलते हैं ना उसे, यानी कि अभ्यास, अभ्यास एक ऐसी कुंजी है ना साथियों, किसी भी चीज़ को सिखा दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपको नहीं आएंगे। अब मैं ही सिर्फ मैथ ना पढ़ूँ मुझे मैथ आ जाएंगे, नहीं आएंगे साथियों, जब तक उसके क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा अलग अलग लेवल का,
मुझे कैसे आ सकते, नहीं आ सकते साथ में, समझ रहे हो ना। ये बातों को समझना आपको और इस पर मेहनत करना आपको, क्योंकि साथियों आपको पता होगा जब तक बॉल को हम लोग नीचे नहीं गिराएंगे तब वो उछाल नहीं मारेगा। उसी तरह आदमी को जब तक हार्डवर्क नहीं करेगा तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएगा। अब हार्डवर्क ऐसा मतलब नहीं कब सक्सेस हो जाओगे, हाँ उस काम में सक्सेस हो जाओगे। आपके सक्सेस का डिफिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन काम वो जो काम करोगे वो सीख जाओगे। मैं बताना, जैसे इंग्लिश के ऊपर काम करोगे इंग्लिश सीख जाओगे, मैथ के ऊपर काम करोगे मैथ सीख जाओगे। ये बात है, ऐसा नहीं कोई टीचर आपको घोल के पिला देगा, नहीं, वो जो ऑथेंटिक चीज़ें होगी वो आपके सामने पेशकश करेगा। अब सामने मार्केट में अगर जलेबी रखा होगा, अब जलेबी वाला जलेबी ही रख सकता है ना। अब खरीदना आपको, खाना आपके ऊपर है, आप किस तरह से खा रहे हो। अब जलेबी मीठा होता है आपको, वो तीखा है, तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो मीठापन था। आप इसे किस तरह ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला अच्छा, अच्छा एक इसका टोन अलग था, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना इस पर काम करते हो, किस तरह सीखने के प्रयास करते हो, ठीक है। आ जाइए इसी के बाद 10 नंबर क्वेश्चन से, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10वें नंबर, द टीचर टॉट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, द टीचर टॉट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग नोट डाउन कर लेना वहाँ। अब बताना यहाँ भी, ये भी नाउन है। जो टीचर होगा ना, एक चीज़ याद रखना, जितने भी प्रोफेशन नाम होते हैं, प्रोफेशन तो डॉक्टर, टीचर, जज, और क्या हो सकता है, हेडमास्टर, तो एक प्रोफेशन हो, कोई भी चीज़ का प्रोफेशन हो, तो सारे जो आते हैं ना वो कॉमन नाउन में होते हैं। 80-90% ले सकते हो, 90% केस में देखा जाए तो जो भी प्रोफेशन वाली बात होती है वो कॉमन नाउन में आती है। ये बात याद रखना सर, चलो तो ये क्या हो जाएगा साथ, आपको कॉमन नाउन है। अब यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो होते हैं ना, साइंस के जो नाम होते हैं ना, केमिस्ट्री जो साइंस के नाम होते उन्हें भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है, ठीक है। तो जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थी ये भी क्या हो जाएंगे साथ, हो जाएगा। आज इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है कि मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, आ जाओ, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब कह रहे ना जो मंडे होता है सप्ताह का पहला दिन होता है, सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, या मंडे सप्ताह का पहला दिन होता है, ठीक है, सोच लो ना। अब देखो तो जो वर्ड मंडे है ये भी नाउन है, वीक भी क्या आपके साथियों नाउन है, और आपका डे भी क्या है साथियों नाउन है, समझने के प्रयास। तो जो मंडे है किसी वीक का नाम भी हो सकता है, किसी दिन का खास नाम भी हो सकता है। अब बताना मंडे क्या वीक में नहीं आता है, एक सप्ताह में आता है, ट्यूजडे भी आता है, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे, ठीक है, ये को साधन करते हैं, वेंसडे होता है, अरे गुरु जी बताए। तो यहाँ पे मंडे, ठीक है, ये मंडे किसी दिन का यूनिक नाम बता रहा है ना, सोमवार जैसा ऐसा कोई दिन है बताओ। सोमवार अपने आप में खास होता है साथ में, सोमवार अपने आप में खास होता है, सोमवार जैसा कोई और दिन नहीं होता है, रविवार जैसा कोई दिन नहीं होता, यानी कि सोमवार, यानी कि किसी दिन का खास नाम है ये। ये भी क्या जाएगा, प्रॉपर मिल जाएगा साथियों, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, टाइम हो, आ जाओ। यहाँ पर डे क्या है, जनरल है, सोमवार को वाले भी दिन होते हैं, मंगलवार वाला भी दिन होते हैं, बुधवार को भी दिन ही होते हैं, तो यानी कि ये जो डे वर्ड है ना ये कॉमन है। और एक बात याद रखना साथियों, दुनिया में जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो सारे के सारे कॉमन ही होते हैं शुरुआत में। अब कॉमन को मिला दोगे तो कलेक्टिव हो जाएंगे, कॉमन को भूख लगेगी खाने के लिए तो मटेरियल चीज़ों को लेगा, और कॉमन का अंदर जो कुछ भी फीलिंग आता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये चीज़ कंसेप्ट होता है किसी खास में, बहुत डेंजर तरीका इसका,
वो नाउन कलेक्ट सेशन स्टार्ट करें तो वहाँ बता देंगे। आ जाओ वीक, वीक क्या होता है, वीक भी आपका कॉमन है क्योंकि महीने में चार सप्ताह होते हैं, ठीक है, महीने में चार सप्ताह होते हैं, एक वीक, दो वीक, तीन वीक, चार वीक, वीक एक कॉमन कॉमन फॉर्म है, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ डाउट, अच्छा कमेंट कर लो क्या, ठीक है। चलो आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन कर आते हैं, और देखो मैं बताऊँगा ना साथियों कि आप जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपने से नोट डाउन करना, क्योंकि जो खुद का नोट्स होता है ना साथियों वो दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है, बात पता चल समझ लो ना, क्योंकि मैं आज खुद से नोट्स नहीं बनाया होता, खुद से प्रैक्टिस नहीं किया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूँ पहली बार, तो इसलिए आप भी अपना खुद से खुद का नोट्स बनाइए। PDF एक तो इंटरनल आपकी सहायता के लिए टेम्प्रोरली, लेकिन जो खुद का नोट्स होता है आप वहाँ पर समझ समझ के लिखते हैं, तो जो PDF बनाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कि हाँ चलो भैया ये चीज़ पॉइंट देना चाहिए, लेकिन जो आपको नहीं आता मैं कैसे जान सकता हूँ PDF में वो चीज़ इंक्लूड करना, तो वो चीज़ें आप सुन सुन के लिखते हो, PDF में सारी चीज़ भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो ना, समझ लो ना, PDF में सिर्फ लिख के जाती है, एक्सप्रेस नहीं हो सकते भावनाओं, वो चीज़ बात होती है PDF में, तो PDF तो लेना अच्छी बात है लेकिन साथ साथ अपने से नोट्स बनाना उस PDF से भी और लेक्चर को भी देख करके वो एक अलग बात होती है, कुछ ज़्यादा सीख पा, ठीक है। आज ये 12 नंबर कह रहा है ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड, ही हैज बीन ए गुड सिंगर, 12 नंबर को कह रहे हैं ही हैज बीन ए गुड सिंगर चाइल्डहुड कह रहा है ना कि वह बचपन से क्या है एक अच्छा सिंगर है, ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वह एक अच्छा सिंगर है। अब मुझे बताना यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा चाइल्ड, बचपन को कोई देखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है हाँ ये बच्चा बचपना है, इसके अंदर बचपना मेरे अंदर भी हो सकता है, बचपना का कोई एज की लिमिट नहीं होता, मैं हरकतें वैसे करने लगूंगा मुझे भी कोई कह सकता इसके अंदर ये बचपना है, यही बचपन जैसा हरकत करता है, ठीक है। बचपना जो वर्ड है ना ये एक अभिष्टेक की मात्रा है, किसमें आएगा चाइल्डहुड अभिष्टेक हो जाए, ठीक है। सिंगर, सिंगर क्या है किसी प्रोफेशन का नाम है, सिंगर एक प्रोफेशन होता ना साथी, देखो दूसरे सिंगर से समझो, सिंगर क्या होता है प्रोफेशन होता है, टीचर। अब देखो इसके पीछे एक और वर्ड आता है जिसके अंदर में OR ER लगा होता है, कॉमन अनुमत, लेकिन वो सब जगह रूल काम नहीं करता, लेकिन जो प्रोफेशन वालों में बता रहा हूँ तरीका ये हर जगह काम करते 80% केस में, सिंगर, डॉक्टर, एक्टर, लॉयर, ये सारे जो वर्ड होते हैं कॉमन अनुमत, कॉमन नाउन में आएंगे, समझ गए। आ जाओ अब इसके बाद दो ही नाउन थे यहाँ पर, शायद सिंगर होंगे और एक आपका चाइल्डहुड होंगे, दो ही नाउन होंगे, समझ गए। आज अब 13 नंबर क्वेश्चन में यानी कि जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ जो 13 नंबर क्वेश्चन या रहा, फ्रेंडशिप इज ए बून, वाओ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, फ्रेंडशिप इज ए बून, इज ए बून, अब मुझे बता बून क्या हिंदी क्या होता है, जो वर्ड मैंने लिखा बून, वरदान, जो फ्रेंडशिप होता है वरदान होता है भाई, एक एक ऐसी फ्रेंडशिप होती है ना भाई आपके लिए एवरीथिंग, कुछ भी कर सकता है साथियों, ऐसा सा फ्रेंडशिप भी होता है, फ्रेंडशिप एक वरदान है साथियों, ठीक है। फ्रेंडशिप को आप तोड़ नहीं सकते हो किसी पैसे से, फ्रेंडशिप नेवर कैन बी नेवर बाई, मतलब फ्रेंडशिप कभी खरीद ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना, फ्रेंडशिप की आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि फ्रेंडशिप की जो उसकी मूल्य हो कोई अदा कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी आदर नहीं कर सकते फ्रेंडशिप का, ऐसा चीज़ है, इसलिए लिखा गया फ्रेंडशिप इज बुन, फ्रेंडशिप एक वरदान है, दोस्ती, समझ लो ना, फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप वर्ड है तो मुझे बताना ये कौन सा नाम से होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप को देखते नहीं है, महसूस करते हैं कि हम और इसके बीच में दोस्ती है, ऐसा थोड़ी कि फ्रेंडशिप को जाकर पकड़ देते, नहीं आप अपने फ्रेंड को पकड़ते हो, दोस्ताना को नहीं पकड़ते हो, दोस्ती को नहीं पकड़ते, अपने दोस्त को पकड़ते हो, समझ गए। तो जो फ्रेंडशिप हो जाएंगे आप काम ये क्या हो जाएंगे साथियों, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बून भी क्या होते हैं, वरदान, भाई वरदान को तो मेरे हिसाब से अभी देखते नहीं है,
भगवान वरदान देते, थोड़ी देर देखते वो तो देख लिए कि इमेजिन होता है, हाँ भगवान ने हमें वरदान दे दिया। हम लोग महसूस करते दिमागों में केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, तो बुन भी आपका क्या हो जाएगा, अभिष्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विदाउट हेल्थ हियर इज नो हैप। वाओ, यार इसका मतलब हो जाएगा कि बिना स्वास्थ्य का खुशी नहीं है, यानी कि बोल सकते हेल्थ इज वेल्थ। अगर कहने का मतलब इसका यही है कि हेल्थ इज वेल्थ, देखा जाए इस सेंटेंस का मतलब मतलब वही है। 14 नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विदाउट हेल्थ Without health, there is no happiness. There is happiness. अब देखो happiness, kindness, ठीक है, kindness, kindness, ये जो ness word होते हैं ना, वो अभिष्टेक नाउन में एक छोटा सा टेक लगा दिया जिसके अंदर में ness लगा हो, लेकिन में ness and ए डबल एस लगा होता है ना, वो अभिष्टेक नाउन में आते हैं। अब आ जाओ हेल्थ, अब मुझे बताना हेल्थ को कभी अपने टच किया है, स्वास्थ्य को अपनी बॉडी को टच करते हैं हम लोग, कहते हैं हेल्थ खराब है यार, अंदर से महसूस होता है, यानी कि मुझे अंदर से लग रहा है कि आई एम नॉट फिट, मतलब अंदर से फिट महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो हेल्थ भी क्या होगा, अभिष्टेक ना हो। बात क्लियर हुआ सबको, आ जाओ 15 नंबर जो क्वेश्चन किया जाए कि ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रैप्स, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें लड़के बहुत फंसते हैं, क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जामों में देखा मैंने, कह रहा कि ही गेव मी, मैंने मॉडल पेपर देखा था उसमें है ये कहीं नहीं, गेव मी ए बंच ऑफ ग्रैप्स, ए बंच ऑफ ग्रैप्स आयो, कह रहा कि उसने मुझे अंगूर की एक गुच्छा दी, गेव सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि पास्ट की बात कर, आ जाओ बंच, बंच यानी कि गुच्छा यानी कि संग्रह, ये जो बंच वर्ड है यानी कि किसी चीज़ का संग्रह की बात कर रहा है, तो वो अंगूर की संग्रह की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो बंच हो जाएगा सब किधर हो जाता, जो बंच हो जाएंगे क्या हो जाएगा सब, तो कलेक्टिव हो जाएगा, ग्रैप्स, ग्रैप्स क्या है मुझे बताओ, किसी फ्रूट का सामान्य नाम है, जैसे टमाटर भी फ्रूट्स में आता है जनरली दिखा देते, गाजर हो गए, मूली हो गए, आम हो गए, मैंगो बोलते हैं उसे, और क्या क्या हो जाएंगे, सलगम हो गए, बहुत सारा बनाना वनाना सब कुछ जो भी, कोकोनट, कुकुम्बर, कुकुम्बर बोलते हैं सर उसे, मस्क मेलन, वाटर मेलन, ब्रांच और क्या बोल सकते हैं, पोमेग्रेनेट, ये सारे जो होते हैं ना फल का सामान्य नाम है, तो ग्रैप्स भी सामान्य नाम है फल का, और ये ग्रैप्स जब सामान्य नाम है तो आपका साथियों क्या हो सकता है मुझे बताना, ये भी साथियों को कॉमन नाउन हो जाएगा ना, ये तो कम्मा नाउन हो जाएगा ना, आप मुझे बताना, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो आइए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर से, क्योंकि सारी चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि समझोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और सुनो साथियों इसकी टेस्ट भी होगी, ठीक है, कि मैं जब पूरी चीज़ पर हार दूंगा तो मैं टेस्ट भी लूंगा आपसे, क्योंकि मुझे तो आइडिया लगना चाहिए ना कि हाँ आप किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इसकी टेस्ट भी होगी, और टेस्ट में सभी बच्चों को मैं कमेंट देखूंगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना कि कौन बच्चा किस लेवल पर मेहनत कर रहा है, सभी का नाम भी लिया जाएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे सभी को अच्छे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज ये 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम इट्स बेग मैंगोज एंड शुगर, पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम इट्स ब्रेड मैंगोज एंड शुगर आ जाओ। अब देखो कह रहा है कि राम खाता है क्या चीज, ब्रेड मैंगो एंड शुगर, राम रोटी आम और शुगर खाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक समझो, ब्रेड के साथ एस क्यों नहीं लगा सर, यहाँ पे मैंगो के साथ प्लूरल बना है लेकिन ब्रेड के साथ क्यों नहीं बनाया, देखो ब्रेड एक मटेरियल नाउन है, आटा से बना हुआ है,
और ब्रेड को हम लोग पीस के अनुसार लेते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेड एक एक ब्रेड दो नहीं, पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे वहाँ पे, ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे शुगर होता तो कहें ये नहीं कहेंगे एक शुगर दे दो, नहीं 1 kg शुगर बोलेंगे, यानी कि उसके किलो को रिप्रेजेंट करेंगे किलो में। वैसे ही ब्रेड को हम लोग 2 piece 3 piece इसकी प्लूरल नहीं बनती है, हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन इसको प्लूरल दिखाने के लिए आप पीस ऑफ यूज कर सकते हो, 2 piece of bread 5 piece of bread। तो ये चीज़ों के बाद आपको समझनी होंगे। आ जाइए, हम लोग नाम की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे जो नाम राम है, राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ब्रेड मटेरियल हो जाएगा, मैंगो जो अभी बताया है हल्का सामान्य नाम है, कॉमन हो जाएगा। गलती नहीं करना साथियों, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे कि सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैंगो मटेरियल होना चाहिए। देखो अगर मटेरियल कब होता है इसकी समझो बात, जब आप आम को उस वक्त खरीद रहे होते हैं, उस वक्त सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते तब वो आम क्या होता है, मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पर जनरल वे में बात किया गया है कि आम खा रहा है, ऐसा नहीं कि वो खरीद रहा है, खरीदने की बात है ना, तब वो पत्र होना शुगर आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है भाई, नहीं है, अच्छी बात है। आ जाओ इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, देख लो रिंग की बात किया था ना, सिल्वर गोल्ड की भाई क्वेश्चंस देंगे ना भाई, वो फैक्ट है, और फैक्ट आकर के रहती है, फैक्ट रुकने वाली नहीं है, फैक्ट कभी नहीं रुकती है साथियों, ये बात याद रखना। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिंग इज मेड, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। बहुत सारे बच्चे होंगे सिल्वर का हिंदी नहीं पता होगा, सिल्वर मतलब साथियों होता है चांदी, क्या होता है साथियों, चांदी। आ जाओ कह रहा है जो ये रिंग है, जो अंगूठी है, अंगूठी पहनते हो ना, ये सिल्वर है, रिंग है, ये क्या चीज़ से बना हुआ है, चांदी से बना। मैंने बताया कि जब भी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनियम स्टील जब तक उससे किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता तब तक वो मटेरियल नहीं होता, तो यहाँ पर जो सिल्वर हो जाएगा ये मटेरियल होगा, इससे मैं सहमत हूँ। अब ये जो रिंग है ना ये कॉमन होगा, क्योंकि रिंग एक कॉमन नाम है, किसी भी पदार्थ का सामान्य नाम है, सिमेटर का सामान्य नाम है, समझ रहे ना, किसी वस्तु का सामान्य, वस्तु मानोगे ना ये, इसको रिंग को सामान्य नाम है। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, प्यार से प्यारा छोटा सा क्वेश्चन से कह रहा है कि देयर इज ए क्लाउड ऑन द रोड, क्लाउड ऑन द रोड, देयर इज ए क्लाउड ऑन द रोड। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सेशन का एंड करेंगे, लेकिन समझना यहाँ पे कह रहा है देयर क्राउड, वर्ड क्या दिखाई दे रहा है, क्राउड, और एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपके साथ ये रोड, ये रोड जो होगा आपका कॉमन होगा, क्योंकि किसी पथ पथ जो चलते हैं किसी चलने वाले जगह की समान है ना मैं रोड। अब रोड में होता जैसे हाईवे, पटना का हाईवे, तो पटना का हाईवे जो होता है ना प्रॉपर होता है, लेकिन रोड है सामान्य नाम है, पुल सामान्य नाम है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा क्राउड। क्राउड क्योंकि हम क्राउड को बोलते हैं भीड़, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्राउड क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को अब ये तो फटाफट नोट डाउन करो, और इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, तो भी जल्दी से हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको सेशंस को क्या करेंगे, हम समाप्त करने की प्रयास करेंगे। 2 क्वेश्चंस समाप्त करने की प्रयास करेंगे। आ जाओ अभी कोई नोट डाउन की हो ना कॉपी में, फटाफट कमेंट कर दो अपने अपने, एक वो बोलते हैं ना यूट्यूब में एक इमोजी होती लाल पीले चेहरे वाले छोटे, वो वाला भेज दो ताकि मैं समझ जाऊँ, सभी को नोट डाउन की हो। और जिसको जिसको भाई समझ में आ रहा है वो थम्सअप का ऐसा एक चिन्ह होता है उसे फटाफट सेंड करो, थम्सअप का चिन्ह कभी कोई सेंड करो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर और 20 नंबर, 2 क्वेश्चन बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है I have love for my friend. My
मेरे अपने दोस्त के लिए, मेरे पास अपने दोस्त के लिए प्यार है, समझ लो ना, यहाँ पर आई का मतलब मैं नहीं है, मेरे पास मेरे दोस्त के लिए प्यार है। देखो जो लव है ये भी नाउन है, क्योंकि फोर आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले यहाँ पर ऑलरेडी हैव है, ये नाउन है, ठीक है, समझना है कैसे नाउन है। और फ्रेंड, क्योंकि प्यार करने की बात किया है, प्यार है, ठीक है, यहाँ फ्रेंड भी नाउन है। देखो फ्रेंड आपका एक कॉमन नाउन हो जाए, क्योंकि जैसे फ्रेंड, ब्रदर, मदर, सिस्टर, कैटेगरी में बता दो, उसमें लव आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा क्यों अबस्ट्रैक्ट नाउन। और जो इसी के बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, क्या द जूस हैज नो फिटनेस, ठीक है। अब देखो जूस क्या होता होगा ना, जूस को आप जब भी उसको मिलाते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेरियंट्स उसको जूस, जैसे देखो केले का जूस, जैसे मान लो आम का जूस, तो आम का वो क्या होता है, पार्ट होता है, उसको हम लोगों ने मिक्सर करके एक नया फॉर्म ग्लास में उसे देते हैं, यानी कि उसके नया वेरियंट तैयार करते हैं। जब नया वेरियंट तैयार करते हैं तो जब ये जूस बन जाता है तो ये क्या कहलाता है, जैसे देख लो ईख को क्या करते हैं, पीस, उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग वो मशीन में उसमें डालते हैं, फिर उससे कुछ एक्टिविटी होती है और वो दूसरे फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में तैयार होकर मेरे पास आ जाती है, तो जूस जो होगी मेटेरियल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वीटनेस, भाई इसको तो हम लोग इमेजिन नहीं कर, स्वीटनेस को पकड़ नहीं सकते हैं, स्वीटनेस जो आपकी हो जाएगी एक नॉर्मल। और यहीं पे अपने हम सेशन को समाप्त करेंगे। तो साथियों, अभी आप चैनल पर नए हो तो पहली बात आपको दलित तो बनता है, आपका कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात कि आपको क्या करना, टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है PVR स्टडी, ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बस आज के लिए इतना ही, और इस सेशन को अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले तो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी हो रहा है, साथ ही साथ ग्रामर वाले सेक्शंस भी कराए जा रहे हैं। बस थैंक यू।